नमस्कार, न्यूज आज में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं रत्नेश सोनी। सहकारी संस्थाओं द्वारा संचालित सरकारी राशन की दुकानें अब सूचना के अधिकार के दायरे में आएंगी। राज्य सूचना आयोग ने इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी कर दिया है। सहकारी संस्थाओं के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चल रही सरकारी राशन की दुकानों पर गड़बड़ियों के आरोप लगते रहे हैं। दुकानों के संबंध में सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारियां भी देने से इस आधार पर इनकार कर दिया जाता था कि सहकारी सोसाइटियां इस दायरे में नहीं आती। राज्य सूचना आयोग ने इस संबंध में एक अपील का निराकरण करते हुए स्पष्ट आदेश जारी कर दिए कि सहकारी समितियों द्वारा संचालित राशन दुकानें भी RTI के दायरे में आएंगी। सूचना आयुक्त आत्मदीप के अनुसार अब इनके संबंध में जानकारी देने से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी तक होता यह आया है कि राजस्थान और MP जैसे कई राज्यों में केवल सहकारी समितियों को ही राशन की दुकानें यानी उचित मूल्य की दुकानों के लाइसेंस दिए जाते हैं, व्यक्तियों को नहीं। और जब कोई नागरिक इन सहकारी समितियों से उनके द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकान के बारे में कोई भी नागरिक जानकारी मांगता है कि आपको कितना आवंटन प्राप्त हुआ, कितना वितरित किया आदि आदि, तो ये सोसाइटियाँ ये कह के मना कर देती है कि चूंकि हमको सरकार से कोई ग्रांट रेगुलर या नहीं मिलती, हम शासन से वित्त पोषित नहीं हैं, इसलिए हम सरकार के स्वामित्वाधीन नहीं है, नियंत्रण के अधीन नहीं है, इसलिए हम लोक प्राधिकारी की श्रेणी में नहीं आते, इसलिए सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधान हमारे ऊपर लागू नहीं होते। राज्य सूचना आयुक्त आत्मदीप ने प्रमुख सचिव सहकारिता को आदेश की प्रति भेजकर इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चल रही राशन दुकानें आम लोगों के हितों के लिए खोली गई हैं। इनके बारे में जानकारियां सार्वजनिक होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि दुकानों के बारे में जानकारी वेबसाइट पर अपडेट भी की जाना चाहिए। भोपाल से न्यूज आज की रिपोर्ट। न्यूज आज में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज आज।